प्रश्न नंबर एक, हजारों ताल को देश भनेर कुन देशलाई भनिन्छ? ऑप्शन ए आइसलैंडलाई, ऑप्शन बी फिनलैंडलाई, ऑप्शन सी नॉर्वेलाई, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंडलाई। ऑप्शन बी फिनलैंडलाई। प्रश्न नंबर दुई, सबैभन्दा पहिले पृथ्वी गोलो छ भनी घोषणा गर्ने व्यक्ति को? ऑप्शन ए लुइस डार्विन, ऑप्शन बी पाइथागोरस, ऑप्शन सी अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन डी मार्क हेनरी। ऑप्शन बी पाइथागोरस। प्रश्न नंबर तीन, भिटामिन ए सबैभन्दा धेरै केमा पाइन्छ? ऑप्शन ए मूलामा, ऑप्शन बी प्याजमा, ऑप्शन सी गाजरमा, ऑप्शन डी आलुमा। ऑप्शन सी गाजरमा। प्रश्न नंबर चार, नेपालका प्रथम राष्ट्रपति को हुन्? ऑप्शन ए डाक्टर रामवरण यादव, ऑप्शन बी विद्यादेवी भंडारी, ऑप्शन सी बाबूराम भट्टराय, ऑप्शन डी बीपी कोइराला। ऑप्शन ए डाक्टर रामवरण यादव। प्रश्न नंबर पांच, नेपालको सबैभन्दा गहिरो ताल कुन हो? ऑप्शन ए मुक्सुन्डो, ऑप्शन बी तिलिचो ताल, ऑप्शन सी रारा ताल, ऑप्शन डी नन्द भाउजू ताल। ऑप्शन बी तिलिचो ताल। प्रश्न नंबर छ, आफ्नो नाम आफ्नै भुल्ने वैज्ञानिक को हुन्? ऑप्शन ए मार्टिन कुपर, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी थॉमस अल्वा एडिसन, ऑप्शन डी हेनरी मिलर। ऑप्शन सी थॉमस अल्वा एडिसन। प्रश्न नंबर सात, तिलिचो ताल कुन जिल्लामा पर्दछ? ऑप्शन ए मनाङ जिल्लामा, ऑप्शन बी मुस्ताङ जिल्लामा, ऑप्शन सी डोल्पा जिल्लामा, ऑप्शन डी पाल्पा जिल्लामा। ऑप्शन ए मनाङ जिल्लामा। प्रश्न नंबर आठ, बुबालाई जेलमा राखी आफू राजा बन्ने मल्ल राजा को हुन्? ऑप्शन ए शिव सिंह मल्ल, ऑप्शन बी प्रताप मल्ल, ऑप्शन सी नरेन्द्र मल्ल, ऑप्शन डी पद्म मल्ल। ऑप्शन बी प्रताप मल्ल। प्रश्न नंबर नौ, सेतो हाथी कुन देश में पाइन्छ? ऑप्शन ए इंडोनेशिया में, ऑप्शन बी थाईलैंड में, ऑप्शन सी मलेशिया में, ऑप्शन डी साइबेरिया में। ऑप्शन बी थाईलैंड में। प्रश्न नंबर दस, रतन्दो कुन विटामिन को कमीले लाग्छ? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। ऑप्शन ए विटामिन ए। प्रश्न नंबर एघार, मानिसको शरीरमा सबैभन्दा सानो हड्डी कुन भागमा पर्दछ? ऑप्शन ए नाकमा, ऑप्शन बी कानमा, ऑप्शन सी हातमा, ऑप्शन डी खुट्टामा। ऑप्शन बी कानमा। प्रश्न नंबर बाह्र, खड़ा खड़ा सुत्न सक्ने त्यो अचम्मको प्राणी कुन हो? ऑप्शन ए चितुवा, ऑप्शन बी बाख्रा, ऑप्शन सी बिरालो, ऑप्शन डी घोड़ा। ऑप्शन डी घोड़ा। प्रश्न नंबर तेरह, चोट लाग्दा मान्छे जस्तै रुने जनावर कुन हो? ऑप्शन ए स्याल, ऑप्शन बी भालु, ऑप्शन सी गैडा, ऑप्शन डी बाघ। ऑप्शन बी भालु। प्रश्न नंबर चौदह, चन्द्रमामा हुर्काउने पहिलो बिरुवा कुन हो? ऑप्शन ए टमाटर, ऑप्शन बी
आलू, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी गेहूं को। ऑप्शन सी कपास। प्रश्न नंबर 15, नेपाल कुन महादेश में अवस्थित छ? ऑप्शन ए यूरोप में, ऑप्शन बी एशिया में, ऑप्शन सी अफ्रीका में, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन बी एशिया में। प्रश्न नंबर 16, विश्व को सबैभन्दा सानो चरा कुन हो? ऑप्शन ए भंगेरा, ऑप्शन बी होमिंग बर्ड, ऑप्शन सी परेवा, ऑप्शन डी सुनकोसेरो। ऑप्शन बी हुमिंग बर्ड। प्रश्न नंबर 17, मौरी को मह में कुन भिटामिन पाइन्छ? ऑप्शन ए भिटामिन डी, ऑप्शन बी भिटामिन ए, ऑप्शन सी भिटामिन बी, ऑप्शन डी भिटामिन सी। ऑप्शन ए भिटामिन डी। प्रश्न नंबर 18, विश्व को सबैभन्दा धेरै रेमिटान्स भित्र्याउने देश कुन हो? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चीन। ऑप्शन डी चीन। प्रश्न नंबर 19, यूरोप महादेश को सबैभन्दा ठूलो देश कुन हो? ऑप्शन ए रसिया, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी मस्काउ, ऑप्शन डी इजिप्ट। साथीहरु तपाईलाई उत्तर थाहा भए कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। ऑप्शन ए रसिया। प्रश्न नंबर 20, झोलंगे पुल को जिल्ला भनेर नेपालको कुन जिल्लालाई चिनिन्छ? ऑप्शन ए बागलुङलाई, ऑप्शन बी पाल्पालाई, ऑप्शन सी गुल्मीलाई, ऑप्शन डी काठमाडौँलाई। ऑप्शन ए बागलुङलाई। प्रश्न नंबर 21, कुन देशमा 5 सूर्य देखिन्छ? ऑप्शन ए चीनमा, ऑप्शन बी अमेरिकामा, ऑप्शन सी जापानमा, ऑप्शन डी रूसमा। ऑप्शन ए चीनमा। प्रश्न नंबर 22, कुन रङलाई शान्तिको प्रतीक मानिन्छ? ऑप्शन ए रातो रङलाई, ऑप्शन बी हरियो रङलाई, ऑप्शन सी कालो रङलाई, ऑप्शन डी सेतो रङलाई। ऑप्शन डी सेतो रङलाई। प्रश्न नंबर 23, सूर्य को किरणबाट कुन भिटामिन पाइन्छ? ऑप्शन ए भिटामिन ए, ऑप्शन बी भिटामिन डी, ऑप्शन सी भिटामिन सी, ऑप्शन डी भिटामिन बी। ऑप्शन बी भिटामिन डी। प्रश्न नंबर 24, सूर्य को किरणहरूमा कतिवटा रंग हुन्छ? ऑप्शन ए 5 रंग, ऑप्शन बी 7 रंग, ऑप्शन सी 8 रंग, ऑप्शन डी 6 रंग। ऑप्शन बी 7 रंग। प्रश्न नंबर 25, पृथ्वी दिवस कहिले मनाइन्छ? ऑप्शन ए 15 अप्रैल, ऑप्शन बी 20 अप्रैल, ऑप्शन सी 21 अप्रैल, ऑप्शन डी 22 अप्रैल। ऑप्शन डी 22 अप्रैल। प्रश्न नंबर 26, कुन तरकारी खाँदा रगत शुद्ध हुन्छ? ऑप्शन ए लौका, ऑप्शन बी फूलकोबी, ऑप्शन सी करेला, ऑप्शन डी आलू। साथीहरु यस प्रश्नको सही जवाफहरु कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। साथीहरु यदि तपाईले यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज भिडियो लाइक र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्न छाड्नु होला। किनकि साथीहरु यस च्यानलमा यस्तै यस्तै भिडियो लिएर आउँदै रहन्छु। र साथीहरु यदि तपाईले यो भिडियोमा के गल्ती भयो भने प्लिज त्यो गल्ती कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला, ताकि म यो गल्ती अर्को भिडियो सुधार्न पाउँछु र तपाईहरुमा राम्रो राम्रो भिडियो दिन पाउँछु।
तो साथी मिलने हमी तब अगलो भिडियो जाने नेपाल धन्यवाद एंड थैंक्स फर वाचिंग दिस भिडियो ओके बाय बाय फर टुडे।